आवल खेड़ा की रज को सबका बारंबार प्रणाम। इस आवल खेड़ा की रज को सबका बारंबार प्रणाम। जन्मे जहां जगत उद्धारक, जन्मे जहां जगत उद्धारक, युग सर्जक गुरुवर श्री राम। ये गुरुदेव की जन्मस्थली है जिसको कि पूरी तरह से रिवाइव किया गया है, और इसका जो पुरानी बिल्डिंग थी उसका कंस्ट्रक्शन उसी ढंग से किया गया जिस ढंग से गुरुदेव के ज़माने में रही होगी। तो कोई भी जो अब आगे 2016 के बाद जो भी लोग नए जुड़ेंगे या जो पुराने थे जो फिर से आएंगे वो देखेंगे कि पूरा पूरा नया स्वरूप है। आवल खेड़ा जो आगरा से करीब करीब 24 किलोमीटर दूर है जलेसर मार्ग पर, वहाँ पर ये सूर्य मंदिर बना है। मेरे पीछे जो है वो सूर्य मंदिर का टॉप दिख रहा है आपको, और उसके नीचे सूर्य भगवान का मंदिर है और उनके साथ घोड़े हैं। ये एक ध्यान कक्ष होगा, उसके नीचे उनकी प्रदर्शनी होगी, उनके जीवन के ऊपर प्रज्ञावतार तक की कथा, दुर्गा अवतरण से लेकर प्रज्ञावतार तक की कथा का म्यूरल्स के माध्यम से प्रदर्शन होगा उसमें। तो ये एक अपने आप में एक बहुत यूनिक प्रेजेंटेशन होगा जिसमें कि हम गुरुदेव के जीवन दर्शन को बता सकेंगे। जो भी यहाँ आता है वो ध्यान करना चाहे तो उसके लिए ध्यान कक्ष बनाया गया है ब्रह्म कमल के नीचे। एक ब्रह्म कमल नीचे बनाया गया है क्रिस्टल का, वो उसके ऊपर किरणें पड़ती रहेंगी और प्रकाश पड़ता रहेगा, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी सुंदर स्थापना होगी जिसमें कि गुरुदेव के जीवन दर्शन से जुड़े हुए हर चीज़ को लोग यहाँ देखकर प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे, और जन जन को बता सकेंगे कि जन्म स्थान में जाके क्या सीखा क्या पाया। ये ऐतिहासिक निर्माण हमारे आदरणीय श्री सत्यनारायण जी नोवाल, कैलाश नोवाल और हमारे बगासा जी जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनके सौजन्य से संपन्न हो पाया है। आदरणीय शरद भाई साहब, शरद पारदी जी भाई साहब ने इसमें बहुत मेहनत की है, सभी ने मेहनत की है, और जो भी यहाँ आएगा आवलखेड़ा, वो आवलखेड़ा आने के बाद यहाँ की जो वैरायटी है उसको देख करके गुरुदेव के विराट जीवन को, व्यक्तित्व को जानेगा, जिसको देख कर हम लोग प्रभावित हुए, और लाखों करोड़ों व्यक्ति, आज करीब 10 करोड़ व्यक्ति गुरुदेव से जुड़े हैं, वो सब यहाँ आ करके एक प्रकार से वो जानकारी पा कर जाएंगे जो कि बहुत अभूतपूर्व जानकारी है। ये कक्ष हमने इसके पीछे बनाया है, जो पीछे कक्ष दिख रहा है आपको गुरुदेव की जन्मभूमि का, यहाँ गुरुदेव रहे। गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने करीब 5 साल तक बराबर निरंतर काम किया, और ऐसा एक कक्ष भी था जहाँ से वो निकल के बाहर चले जाते थे, और जब अंग्रेजों की जो आर्मी थी, पुलिस थी, वो दबिश देती थी तो उस समय उस गुप्त द्वार से निकल जाते थे। वहाँ पर हम एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं उनकी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्वरूप की, किन किन के साथ रहे, किन किन के साथ उन्होंने जीवन बिताया, तो वो एक तरह से फ्रीडम फाइटर के रूप में गुरुदेव का जीवन जो है वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ सारी वो चीज़ें प्रयोग की गई हैं जो उस ज़माने में प्रयोग होती थी, चाहे ग्लास हो, चाहे वो लालटेन हो, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो पंखा हो, हर चीज़ वैसी रहेगी और जैसा था उस ज़माने में। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक प्रकार से आभास होगा कि वो पुराने ज़माने में लौट आया है जहाँ गुरुदेव रहा करते थे, और किस तरह से रहा करते थे वो वाला स्वरूप भी देखेंगे। ध्यान करते हुए जो कक्ष है उसमें गुरुदेव का ध्यान करते हुए जो स्वरूप है वहाँ पर बैठकर लोग ध्यान भी कर सकेंगे, और इसके अलावा 2 कक्ष और बड़े बना दिए हैं। एक बहुत बड़ा कक्ष है जहाँ बीच में ब्रह्म कमल है, और एक बड़ा कक्ष है जहाँ पर सूर्य भगवान है और उनके साथ घोड़े हैं। तो 2 कक्ष में आराम से 400-500 आदमी, 600 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी भीड़ भी आ जाए, बसेज आ जाएँ, सब कुछ आ जाए तो भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार। आने वाले 6 माह में हम इसको पूरा कर देंगे, और ऐसा अंदाज है कि सितंबर में या अक्टूबर में इसका लोकार्पण करके जनता को समर्पित कर देंगे ताकि यहाँ आने का क्रम चल पड़े। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और मैं बराबर नियमित रूप से आता रहा, शरद भाई साहब बराबर नियमित रूप से आते रहे, और नोवाल जी भाई साहब भी बराबर आते रहे। तो अब ये एक ऐसा क्रम बन गया है कि हम लोगों के दिमाग बिल्कुल साफ़ हैं कि हमको क्या दिखाना है यहाँ पर, बस इसमें कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा रिटर्न मटेरियल हमको तैयार करना है जो हम तैयार करके दे देंगे, उसके बाद फिर कोई कमी नहीं होती। आप मान करके चलिए कि ऐतिहासिक चीज़ तैयार होने जा रही है, और लोग ताजमहल देखने आते हैं आगरा, और आवलखेड़ा इसलिए आएंगे कि गुरुदेव का जन्मभूमि है, गुरुदेव की जन्मभूमि है। यहाँ के मुख्यमंत्री से हमने बातचीत की है रोड बनाने के लिए, रोड्स के दोनों साइड में लाइट्स लगाने के लिए,
और मुख्यमंत्री को भी बुलाएंगे उद्घाटन में, ताकि वो आए, तो इस बहाने और भी कुछ तैयारियां हो जाएं, जिससे कि एक्सप्रेसवे से यहां आने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। एक्सप्रेसवे का टर्मिनल एंड है ये एतमादपुर वाला, उसके पहले खंदोली वाला जो एंड है वहां से उतर जाते हैं, 15 मिनट लगते हैं। दिल्ली से यहां आने में केवल 2 घंटे लगते हैं, 2 या 2.5 घंटे बस, ज़्यादा नहीं। इसलिए यह बहुत नज़दीक है, आगरा के पास है पर दिल्ली से बहुत नज़दीक है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्थापना होगी, जिसको सारे लोग, सब लोग इसको देख करके रोमांचित होंगे और गुरुदेव के जीवन को जानेंगे। इस आवल खेड़ा की रज को सबका बारंबार प्रणाम। वायु नीर यहाँ का जिसको पीवे बड़े हुए।